Hello guys, welcome back again on RB Kitchen. Today we are going to make aam ki khatti mithi chutney. Recipe seasonal hai. To chaliye karte hain shuru, batate hain aapko kaise banni hai ye. Sabse pehle humne lene hain aam aur inhe humne acche se karna hai wash. और वॉश करने के बाद हम इसे फैन के नीचे रख देंगे सुखाने के लिए। ये देखिए, यहाँ पे मैंने सूखने के बाद इन्हें किया है पील। सभी को अभी जैसे मैंने पील कर लिया ऑलमोस्ट, देखिए रेडी है मेरे पास पीलों के ये सभी मैंगोस। और अभी इनको हम ग्रेट करेंगे। ये लिया, यहाँ पे मैंने कद्दूकस ले लिया है और ये सभी मैंगो भी हम करेंगे ग्रेट। तो गाइस, हमारे पास ये मैंगो रेडी हैं ग्रेट होने के बाद। अभी यहाँ पे मैंने ली है एक कढ़ाई और इसे मैंने पहले लो फ्लेम पे ही रखा है और इसमें अभी मैं डालूँगा ऑलमोस्ट 200 ml सरसों का ऑयल, 200 ml या फिर एक कप आप ले सकते हैं। इसे थोड़ा गर्म करूँगा। अभी इसमें मैं डाल रहा हूँ 50 ग्राम मेथे और इसे मैं लो फ्लेम पे थोड़ा सा भूनूंगा। तो गाइज, यहाँ पे मैं डालूंगा इसमें एक टेबल स्पून गार्लिक पाउडर। मेरे पास अवेलेबल था गार्लिक पाउडर तो मैं ये ले रहा हूँ। अगर आपके पास गार्लिक पाउडर नहीं है तो आप फ्रेश गार्लिक यूज कर सकते हैं। अगर फ्रेश यूज़ करना है तो उसके ऑलमोस्ट आपको 2 टेबलस्पून लेने हैं। ध्यान रखना है, अगर आप फ्रेश गार्लिक ले रहे हैं तो उसे आपको इसमें डालने से पहले हल्का भून लेंगे ताकि उसका कच्चापन जो है वो चला जाए। अभी हम डाल रहे हैं इसमें जो ग्रेट करके रखे थे मैंगो, ये डालेंगे धीरे धीरे, थोड़े थोड़े करके मैं सभी इसमें डालूंगा और इसको करूँगा अच्छे से मिक्स। ओके, जो भी हमारा गार्लिक था और मेथी हैं इसमें मिक्स हो जाए। और ये देखिए, यहाँ पे ये बिल्कुल मैंगोज थोड़े से सॉफ्ट हो चुके हैं। अराउंड 3 मिनट के लिए इसे हमने जो है हिलाते रहना है। यहाँ पे मैंने डाला 1 टेबलस्पून रोस्ट किया हुआ जीरा पाउडर
और इसके साथ मैं डाल रहा हूँ ब्लैक पेपर, अराउंड 1.5 स्पून मैंने डाला है, टेबल स्पून। एंड अभी इसे करूँगा मैं मिक्स, अच्छे से मिक्स कर लूँगा ब्लैक पेपर और जीरा पाउडर जो है। और अभी मैं इसमें डाल रहा हूँ शुगर, मैंने 1 kg शुगर दिया है। अगर आप मीठे के ज़्यादा शौकीन हैं तो आप 1.5 kg भी डाल सकते हैं इसमें। और कई लोग तो जैसे इसमें मतलब बराबर का भी मीठा डाल देते हैं, जितना हमने मैंगो लिया था कद्दूकस किया हुआ उतना ही मीठा डाल लेते हैं, वो भी चल जाता है अगर आप ज़्यादा शौकीन हैं मीठे के। तो मिक्स कर लिया इसे मैंने अच्छे से। अभी इसमें मैंने 2 टेबलस्पून जो है देगी मिर्च डाली है, इससे क्या है कि इसका कलर जो है बहुत बढ़िया आएगा। इसे करेंगे मिक्स, और यहाँ पे एक चीज़ और है, आप अगर डालना चाहें इसमें तो आप जो है रेड चिल्ली पाउडर का 1 टेबल स्पून वो भी डाल सकते हैं, काफ़ी लोग पसंद करते हैं इसमें। और जैसे शुगर डाला है मैंने, शुगर आप ऐसा है कि शुगर के साथ आप जैगरी भी डाल सकते हैं, लेकिन उसमें क्या है कि क्वांटिटी जो है हाफ हाफ रहेगी, हाफ आपको शुगर डालना है और हाफ आपको डालना है जैगरी उसमें, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी लोग जैगरी पसंद करते हैं, ऑब्वियसली उससे टेस्ट का भी थोड़ा फ़र्क रहता है वैसे। और इसमें 2 टेबलस्पून मैं नमक ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे, नमक डाल के इसे मिक्स कर लूँगा। अभी इसमें मैं ऐड कर रहा हूँ 3 टेबलस्पून रोस्ट की हुई सौंफ, और इसे कर लूँगा मैं मिक्स। तो देखिए ये लिक्विड फॉर्म में आ चुकी है, जब ये लिक्विड फॉर्म में आ जाए उसी समय हमें इसमें जो है जो सौंफ ऐड करनी है, और ध्यान रखना है इसे ज़्यादा देर तक नहीं पकाना है हमें, अगर ज़्यादा पकाएंगे तो ठंडा होने के बाद ये जो है काफ़ी हार्ड हो जाएगी, तो ध्यान रखिए इसे मीडियम ही पकाइए। यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ इसमें मगज रोस्ट किए हुए, और थोड़ी सी डालूँगा इसमें कलौंजी, इसके अलावा इसमें आप छुहारे भी डाल सकते हैं, और चाहें तो कटा हुआ जो है कोकोनट भी डाल सकते हैं। और इसे भी कर लेंगे मिक्स इसमें, अभी यहाँ पे मैं इसे एक बॉल के अंदर ट्रांसफर कर रहा हूँ। गाइस आपकी चटनी बन के तैयार है, अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो इसे शेयर एंड लाइक जरूर कीजिएगा, थैंक यू वेरी मच।